जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है जुलाई महीने का। तो साथियों, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, तैयारी कैसे करना है ताकि हमारा जो नंबर है साथियों 135 प्लस आ जाए नंबर, और 101% आपको सफलता भी मिलेगी अगर यह वीडियो आप पूरा देखते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं। क्योंकि साथियों, मैंने बहुत जगह से और अपना दिमाग लगाकर बहुत से कुछ पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं आपके लिए, जो साथियों आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, और 100% साथियों आपका नंबर 130-135 प्लस होगा अगर आप यह वीडियो देखते हैं। तो साथियों, हमको क्या करना है जिससे 135 प्लस नंबर आए, ठीक है। पेपर फर्स्ट और सेकंड का साथियों संपूर्ण फ्री नोट्स पीडीएफ आपको मिलेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल होंगे। साथियों, क्या पूरा संपूर्ण फ्री नोट्स आपको मैं बताने वाला हूं कहां मिलेगा, आपको फ्री में दूंगा साथियों। साथ में सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तैयारी कैसे करना है जिससे 135 प्लस नंबर आए, मेन टॉपिक हमारा रहेगा, ठीक है। 3 टिप्स मैं आपको दूंगा जिससे 101% आपको सफलता मिलेगी और 135 प्लस आपका नंबर भी आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो बेहतरीन तैयारी के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को, ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, हमको तैयारी कैसे करनी है इस पर पहले हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले साथियों आपको मैं बता दूं कि आपको मैं यहां पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का संपूर्ण नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं, जिससे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और कुछ आपको नहीं पढ़ना है, सभी मटेरियल मैं अपने चैनल पर आपको फ्री में दूंगा, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलने वाला है। तो परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, पेपर फर्स्ट आपका और पेपर सेकेंड, ठीक है, दो पेपर आप दे सकते हैं, एक प्राइमरी लेवल का, एक जूनियर लेवल का। तो आपके पास जो साथियों प्राइमरी लेवल का एग्जाम होगा वो आपका साथियों उसमें आपके 150 प्रश्न होंगे, ठीक है, 150 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी कि एक प्रश्न एक नंबर का। और आपको एक प्रश्न के पीछे 1 मिनट का समय मिलेगा, यानी 2 घंटा 30 मिनट का टोटल समय मिलेगा, और वही चीजें आपको सेम जो है पेपर सेकंड में भी मिलेंगी। सब्जेक्ट की बात करें तो साथियों बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र आपका 30 नंबर का पूछा जाता है। हिंदी आपका जो पेपर फर्स्ट यानी कि भाषा फर्स्ट आप लेंगे वो भी आपका साथियों 30 नंबर का आएगा। और सेकंड भाषा में आप संस्कृत ले सकते हैं अथवा इंग्लिश अथवा उर्दू, कोई भी आप ले सकते हैं, कुछ भी, वो भी आपका 30 नंबर का होगा। और गणित आपका 30 नंबर का होगा। और आपका जो पांचवा सब्जेक्ट होगा पर्यावरणीय अध्ययन ईवीएस जिसको कहते हैं, वो भी आपका 30 नंबर का होगा, ठीक है। तो साथियों, जो 30 प्रश्न होंगे उन 30 प्रश्नों में आपका 15 नंबर का आपका शिक्षण विधि पूछा जाएगा, और 15 नंबर का आपका थ्योरी यानी कि जो सब्जेक्ट वाला है वो आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं तैयारी कैसे करनी है। साथियों, अभी तक ऊपर आपने परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे। तो आगे चलिए साथियों, हम देखते हैं कि तैयारी हमको करनी कैसे है, ठीक है, सीटेट जुलाई 2023 के लिए। तो टिप्स नंबर एक देखिए साथियों, पेडागॉजी यानी कि जिसको हम शिक्षा विधि कहते हैं, साथियों आपका 50% आता है, यानी कि 75 क्वेश्चन आपके आएंगे क्या शिक्षा विधि के, यानी कि 5 जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, 5 सब्जेक्ट में 15-15 क्वेश्चन आपके शिक्षा विधि के केवल आएंगे, ठीक है। तो इसमें साथियों आपको तैयारी क्या करनी है शिक्षा विधि के लिए, आपको साथियों बालकों के सिचुएशन को ध्यान में रखना है। अगर आप बालकों के सिचुएशन को यानी कि उनकी परिस्थिति को समझ ले जाते हैं तो आप बिना पढ़े ही यहाँ पर 80-90% क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ध्यान में क्या रखना है, बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान रखना है, यानी कि खुद को महत्व ना देकर बालकों को ज्यादा महत्व देना है, ठीक है। उनको अवसर देने की बात करना है, एक साथ बच्चों को बैठाना है, किसी को अलग नहीं करना है। सामूहिक शिक्षण की बात करना है, प्रोजेक्ट मेथड की बात करना है, और करके सीखने यानी कि बच्चों को खुद करके सीखने का मौका देना है, और उन्हें करके सीखने के लिए प्रोत्साहन देना है। तो ये सभी चीजें आपको ऑप्शन में भी मिलेंगे, अवसर देना, एक साथ बैठाना, सामूहिक शिक्षण की बात, करके सीखने की बात, तो वही चीजें आपकी सही होती हैं, ठीक है। जिसको साथियों हम पॉजिटिव टैग वर्ड भी कहते हैं, और निगेटिव टैग वर्ड होता है जैसे क्लास से बाहर कर देना, अलग कर देना, डांटना, मारना, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपकी निगेटिव टैग वर्ड में आती है। तो निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप जो है शिक्षा विधि के क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। इस पर साथियों मैं एक से अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पॉजिटिव टैग वर्ड कौन कौन से हैं और निगेटिव टैग वर्ड कौन कौन से हैं इस पर साथियों अच्छे से चर्चा करूंगा। अगर इसको आप जान जाएंगे तो साथियों 70-80% क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे बिना पढ़े, ठीक है। अब चलिए साथियों देखते हैं टिप्स नंबर 2। पिछली परीक्षा के प्रश्न, अब तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं सीटेट की, उनको साथियों हमको अच्छे से पढ़ना है प्रीवियस ईयर यानी कि, ठीक है, खासकर उन सालों के प्रश्नों को पढ़ना है जब जब आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हैं उसको साथियों ध्यान से पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, इससे आपको साथियों किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सभी आपको पता चल जाएंगे, उनका तरीका पता चल जाएगा, उत्तर लगाने का तरीका आपको पता चलेगा, निगेटिव शब्द और निगेटिव ऑप्शन जो है वो भी आपको पता चलेंगे, ठीक है। जैसे निगेटिव ऑप्शन में शब्द में आपका क्या होता है, जहां पर केवल आ जाए, मात्र आ जाए, कक्षा से अलग कर देना बच्चों को,
ठीक है, ये सभी निगेटिव शब्द होते हैं, निगेटिव ट्रैग वर्ड होते हैं। ठीक है, जेंडर पक्षपात के बारे में जानकारी मिलेगा, बुरा व्यवहार, ये सभी निगेटिव ट्रैग वर्ड हैं जिससे आप जो है आसानी से प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का जो पीडीएफ आपको, संपूर्ण पीडीएफ अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथियों वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहीं पर आपको साथियों प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अथवा आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दिया है प्रीवियस ईयर का, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टिप्स नंबर तीसरा क्या है, 15 दिन पहले आपको, जब आपका एग्जाम 15 दिन बचता है तब से आपको लगातार साथियों ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देना है। ठीक है, और उसका सलूशन भी हल करना है। आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दिया, जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन सभी का सलूशन आपको देखना है। इससे आपका क्या होगा साथियों, आप टाइम जो है मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, यानी कि आप समय के अंदर ही सभी प्रश्नों को हल करना और साथ ही आप सलूशन करेंगे तो नए नए प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा आपकी परीक्षा में। तो इसके लिए साथियों आप ऑनलाइन टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के लिए टेक्स्ट बुक ऐप, अथवा बहुत सारे जो चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी, बहुत से ऐसे ऐप आते हैं ऑनलाइन, ठीक है, वहां से आप ले लीजिए। बाकी मैं टेक्स्ट बुक ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको साथियों नोट्स, जो मैंने नोट्स देने की बात कही, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है, कहां पर मिलेगा साथियों, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर भी शामिल होगा। ठीक है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अथवा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पर जाइए और राज एकेडमी प्रयागराज सर्च करिए, मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अथवा आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में साथियों मैंने सब पीडीएफ का लिंक दे दिया है, वहां से आप सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बेहतरीन नोट्स है, चित्रात्मक तरीके से सभी चीज़ें बताई गई हैं, तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है, सभी चीज़ें मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट मैं आपको अपने चैनल पर करवाता रहूंगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।